हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल 2021 के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में शारजा के शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर 2 अक्टूबर को दोपहर के 3:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पे आपको आईपीएल के सभी मुकाबलों के अलावा पाकिस्तान नेशनल T20 कप के मुकाबलों की भी टीम मिलने वाली है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। और आप फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर, जहां पे आपको सभी आईपीएल के मुकाबलों के अंदर एक फ्री एंट्री मिलने वाली है। साथ ही में आप इनके आईपीएल लीडर बोर्ड के अंदर आईफोन 12 मिनी, वन प्लस नॉट 2 और सैमसंग के फोन इनाम में जीत पाओगे। और यहां पे आपको सेकेंड इनिंग्स फैंटेसी का भी फीचर मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरा रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करने पे बोनस कैश मिलेगा। डाउनलोड करो फैन टू प्ले को और विनिंग करनी स्टार्ट कर दो। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो शारजा का मैदान बल्लेबाजी करने के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है। भली बाउंड्री छोटी है इस मैदान के अंदर, लेकिन जो पिच है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है और बैटिंग करना मुश्किल होगा और टीमें यहां पे चेस करना पसंद करना चाहेंगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ मुंबई इंडियंस की टीम के बारे में, जिनको पिछले मुकाबले में काफ़ी अच्छी जीत मिली और टीम इस मुकाबले में फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेगा। अगर टीम को क्वालिफाई करना है प्लेऑफ मुकाबलों के लिए तो एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस के लिए। टीम ने पिछले मुकाबले के अंदर सौरभ तिवारी को मौका दिया और सौरभ ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। भले ही वो थोड़ा स्लो खेलते हैं पर जनरली एक अच्छी पारी खेल के देते हैं टीम के लिए। रोहित शर्मा, क्विंटन की ओपनिंग पार्टनरशिप सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर रहेगा मुंबई की इस टीम के लिए। इन दोनों ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है और ये कंटिन्यू करना चाहेंगे। हालांकि सूर्य कुमार यादव बहुत ही ज्यादा खराब फॉर्म में चल रहे हैं, उनके लिए 10 रन मारना ही मुश्किल हो रहा है। सूर्या के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला है। जिस तरीके से कारण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ने फिनिश किया पिछले मुकाबले में, वो काफी कॉन्फिडेंस देगा मुंबई की टीम को। ये दोनों छोटे से मैदान के ऊपर काफी कमाल की बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो जसप्रीत बुमराह 16 विकेट निकाल चुके हैं इस टीम के लिए। उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी भी काफी शानदार रही है, फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। राहुल चेहर को इस पिच पे हेल्प मिलेगा, काफी स्लो पिच है ये, राहुल चेहर की गेंदबाजी को आप पे मदद मिलने वाली है। नेथन कोल्टनल को भले कोई विकेट ना मिला पिछले मुकाबले में, लेकिन उनकी डेथ ओवर सी गेंदबाजी भी काफी शानदार थी। तो मुंबई इंडियंस के लिए काफी बड़ा मुकाबला है, इनकी बैटिंग इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने इनके ओपनर्स के अलावा बाकी बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गेंदबाजी काफी डिसेंट है मुंबई के पास में। अगर मैं आपसे बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो मुंबई इंडियंस के लिए ओपन कर सकते हैं क्विंटन डीकॉक और रोहित शर्मा, नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पे सौरभ तिवारी, नंबर 5 पे कारण पोलार्ड, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे कृणाल पांड्या, फिर नेथन कोल्टनाइल, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और राहुल चेहर। तो जरूर से एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है मुंबई इंडियंस के लिए। अब मैं आपसे बात करता हूं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, जो कि अपने 11 में से 8 मुकाबले जीत चुका है और ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये टीम क्वालिफाई करने वाला है प्लेऑफ मुकाबलों के लिए। हालांकि टीम को पिछले मुकाबले के अंदर हार मिली और टीम इस मुकाबले में वापसी करना चाहेगा। दरअसल पिछले कुछ मुकाबलों से जो दिल्ली की टीम है थोड़ी मुझे कमजोर होती लग रही है। मार्कस टोनिस की इंजरी की वजह से उतने बल्लेबाज नहीं है इस टीम के पास में। नंबर 6 पे अक्षर पटेल खेलते हैं, इससे पता लगता है इनकी बल्लेबाजी कितनी कम हो चुकी है। साथ में पृथ्वी शॉ का इंजर्ड होना एक और दिक्कत की बात रही है इस टीम के लिए। शॉ काफी अग्रेसिव खेलते थे, तो ये दो काफी बड़ी दिक्कत की बात है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। शिखर धवन इस टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, हालांकि यूए में वो कुछ खास कर नहीं पा रहे, शिखर धवन पे निगाह रहने वाली है। ऋषभ पंत ने काफी स्टेबल होकर बल्लेबाजी करी इस टीम के लिए, नंबर 4 पे फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। और नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर भी बड़ी पारी
खेलना चाहेंगे इस मुकाबले में, वो T20 वर्ल्ड कप की दावेदारी पेश करना चाहेंगे। तो शिखर धवन, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर, इन तीनों के ऊपर टीम की बल्लेबाजी रिलाय करने वाली है। अक्षर पटेल ऑलराउंडर इस टीम के नंबर 6 पे बल्लेबाजी करेंगे, साथ ही में गेंदबाजी के अंदर भी 9 विकेट निकाल चुके हैं। अक्षर पटेल की गेंदबाजी काफी अच्छी रही है इस टीम के लिए। कगिसो रबाडा 13 विकेट निकाल चुके हैं, पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर रहे हैं। रबाडा का फॉर्म मैंने काफी शानदार बात है, और आंद्रिक नोकिया की गेंदबाजी भी काफी शानदार रही है यूएई के अंदर, वो भी अपने फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। आर अश्विन को इंप्रूव करने की जरूरत है, पिछले मुकाबले में अच्छा खेले और ये पिच उनको हेल्प भी करने वाली है। तो दिल्ली कैपिटल्स वैसे तो ऑलमोस्ट पक्का पहुंच चुका है, लेकिन टीम टॉप 2 में जाना चाहेगा, उस वजह से दिल्ली के लिए भी बड़ा मुकाबला है। हालांकि पृथ्वी शॉ स्टोनिस की इंजरी दिक्कत की बात है इस टीम के लिए, तो दिल्ली के लिए ओपन कर सकते हैं शिखर धवन और स्टीव स्मिथ, नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पे ऋषभ पंत, नंबर 5 पे शिमरन हेटमायर, नंबर 6 पे अक्षर पटेल, नंबर 7 पे ललित यादव, फिर रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, आंद्रिक नोकिया और आवेश खान। तो जरूर से दिल्ली की टीम मुकाबला जीतना चाहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होने वाली है दिल्ली, वो टीम होगी मुंबई, या बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर। तो दोनों टीमें काफी स्ट्रांग है और क्रिकेट के मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, पर मुझे लगता है यहाँ पे फायदा होने वाला है मुंबई इंडियंस की टीम को, उनके लिए बड़ा मुकाबला है और मुंबई की टीम ऐसे मुकाबलों के अंदर काफी शानदार खेलती है और टीम रिदम में आना चाहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब भी चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।